हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बस घर में रखे तीन चीजों से ही बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट सी मिठाई बना करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल मार्केट जैसी ही लगेगी आपको खाने में। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाने के लिए हम गैस के ऊपर रखेंगे एक कढ़ाई और 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी से मिठाई में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, लेकिन आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हो। बिना फ्लेवरफुल वाले तेल से आप मिठाई बनाना बहुत ही अच्छी बनेगी। घी हमारा मेल्ट हो गया तो मैंने इसमें 3/4 कप यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम और 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा मैदा डाला है और इसे हम लो फ्लेम पर भूनेंगे ताकि इसका कच्चा फ्लेवर दूर हो जाए। ज्यादा टाइम के लिए हमें मैदे को नहीं भूनना है। फ्रेंड्स, बिल्कुल वाइट वाइट रहेगी ना तो बाजार जैसी ही मिठाई लगेगी देखने में और खाने में भी बहुत ही मजेदार लगेगी। 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमने मैदे को भून लिया और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। तो अब हम इसे निकाल करके एक मिक्सिंग बाउल में रख देंगे और 1 से 2 बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये मिक्सर हमारा बहुत ही ज्यादा गर्म है। अब हमने यहाँ पर 1/2 कप चीनी ले लिया है और इसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके बिल्कुल फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। पिसी हुई चीनी डाल देंगे। मिक्सर हमारा बहुत ही ज्यादा गर्म है, इसी टाइम पर हम इसमें चीनी डालेंगे तो मिक्सर में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। फ्लेवर के लिए आपको जो भी फ्लेवर है ना पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं, और हल्के हाथों से धीरे धीरे करके इसे मिक्स करेंगे क्योंकि मिक्सर हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और जब हल्का सा ये ठंडी हो जाएगी ना, इसके बाद हम इससे मिठाई बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपके मिक्सर में बाइंडिंग नहीं आ रही तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, या फिर आप 1 से 2 चम्मच दूध डाल करके भी ना मिठाई को अपने पसंद के हिसाब से शेप दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार होगी। अपने हाथों से हल्का सा प्रेस करते हुए मिठाई को शेप दे देंगे। इसके बाद दोनों उंगलियों से हल्का सा प्रेस कर देंगे और इस तरह से बहुत ही सुंदर मिठाई का शेप आ गया है हमारा। सारी मिठाई बनकर के तैयार हो गई है। तो इसे और भी सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है पिसी हुई चीनी और इसे हम थोड़ा सा कोट कर देंगे। इस तरह से लग रही है ना देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल की, बिल्कुल मार्केट जैसा ही इससे लुक आ जाता है फ्रेंड्स, और खाने में भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। बाजार जैसी 10 मिनट में मिठाई बनकर के तैयार हो गई है फ्रेंड्स। इसे देख करके कोई कह ही नहीं सकता है कि आपने इसे 10 मिनट में बनाया है, बहुत ही कमाल की लगती है खाने में। चलिए मैं इसे आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ऑल को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।